हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रेटर अली मेना मैलिसन। वेलकम बैक टू अनदर एशियन वीडियो। आज मैंने किसी इंडियन सिंगर को नहीं, पाकिस्तानी सिंगर पे रिएक्ट करना है। और क्योंकि ये एक सजेशन था कि पाकिस्तानी आतिफ असलम के एक गाने पे रिएक्ट करना है, तो पेशे खिदमत है नया रिएक्शन। सजेशन थी आपकी, वो लम्हे वो बातें, बहुत ही शानदार गाना है ये आतिफ का और मैंने बहुत सुना हुआ है। सो एक बार फिर इस पे रिएक्शन रिकॉर्ड करने लगा हूँ पहली बार। इस जिस चैनल से मैंने ये वीडियो लिया है उसका नाम है लिरिकल वर्ल्ड, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने लिरिक्स वाला वर्जन लिया है, वीडियो वर्जन नहीं लिया ताकि लिरिक्स सामने हो और मैं ज़रा अच्छे से इंजॉय कर सकूँ। जब लिरिक्स सामने होते हैं तो लाइन्स पढ़ के और ज़्यादा रियलाइज होता है कि कितना खूबसूरत लिखा हुआ है। सो लेट्स वॉच आउट। आतिफ के ये मेरा पहला परफॉर्मेंस है जिसपे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में और बता सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो। के इंडिया में काफी फैन बेस है आतिफ की, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में। वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। नॉस्टैल्जिया इस गाने से, बहुत पुराना बचपन की यादें हैं। एंड थैंक यू फॉर सजेशन, किसी ने आतिफ का गाना भी सजेस्ट किया। ना मैं जानू जाने कैसा है ये मौसम, कोई न जाने कहीं से खिजाई, गमों की धूप संग लाई, खफा हो गए हम। वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, थी कैसी रातें हो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। गाना मेरा फिंगर तौर मुझे सुना हुआ हो, लिरिक्स आते हैं उसको मैं कुछ करता हूँ, साथ साथ गाता रहूँ, मुझे मज़ा आता है। रूप नहीं पता उसको, अगर आप तंग होते हैं तो मुझे कमेंट्स में जा सकते हैं, नेक्स्ट ऐसा कभी नहीं करूँगा। अगर किया भी तो मैं अपना वॉल्यूम ही म्यूट कर दूंगा, तो ये नेचुरली निकलता है। गहराई से गहरा है अपना प्यार, सहराओं की इन हवाओं में कैसे आएगी बहार, कहां से ये हवा आई, घटाए खाली क्यों छाई, खपा हो गए हम, जुदा हो गए हम। वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, थी कैसी रातें हो बरसातें,
भीगी भीगी यादें। यहाँ पे अनु मलिक का भी नाम लिखा हुआ था, मेरे वो कंपोजर होंगे, वो कॉन्ट्रीब्यूशन है। सीरीज एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करते हैं आतिफ की, अगर आपको ये रिएक्शन अच्छा लगे और आप सुनना चाहें आतिफ के और गाने मेरे साथ, तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खाली है। वीडियो मजा आया। आतिफ का पाकिस्तान से नो डाउट आतिफ इज माय फेवरेट, और मैं बहुत गाने सुनता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, और थैंक यू जिन्होंने मुझे आतिफ के गाने सजेशन दी। अगर आप चाहें तो आप और सॉन्ग सजेस्ट कर सकते हैं आतिफ के, मैं ज़रूर रिएक्ट करूँगा। कुछ कमेंट्स लेते हैं इस वीडियो के, लोग क्या कह रहे हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इमरान हाशमी एंड शमिता शेट्टी, ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो ये वीडियो में वो होंगे, आई डोंट हैव एनी आइडिया। वाओ नाइस आतिफ असलम, नाइस सॉन्ग, लव यू आतिफ, नाइस दिस पर्सन किल द वर्ल्ड विद हिज वॉइस, आतिफ इज द बेस्ट, ओपी सॉन्ग बाय आतिफ असलम, एंड समवन इज सैड रिएक्टिंग, उसने गाना दिल पे ही ले लिया, आशता नाम है, ओके सैड सॉन्ग, या इट इज़ अ सैड सॉन्ग, भीगी भीगी यादें, वो बरसातें वो लम्हे अब बहुत याद आते हैं, सागर की गहराई का जैसा प्यार था हमारा, खफा हुए हम, दूरी महसूस हो रही है तेरी, सो समवन इज मिसिंग समवन, ऑसम वॉइस। एंड काफ़ी कमेंट्स हैं जिनमें से रोने वाली और इमोशनल इमोजीज हैं, तो दिल पे ले गए गाने को। आतिफ असलम के लिए एक लाइक तो बनता है। सो कुछ इंडियंस कुछ पाकिस्तानी मिक्स कमेंट्स हैं, और मैं जानता हूँ कि आतिफ के बहुत सारे इंडिया में भी फैंस हैं, तो प्लीज़ सजेस्ट मी अगर आप चाहें कोई आतिफ पर गाना सुनना। थैंक यू सो मच, दैट वाज रिएक्शन, आई रियली इन्जॉय दिस सॉन्ग, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी बहुत सुना हुआ है, बहुत ज़्यादा यादें हैं इस गाने के साथ, तो एक बार फिर सुना और मज़ा आया, और होप्स हो कि आप लोगों को भी मेरे साथ ये देख के काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी मज़ा आया हो। मिलते हैं किसी नई सजेशन के साथ, किसी नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।